नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चाशनी वाली भुजिया की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चलिए सामग्री देख लेते हैं। तो 250 ग्राम मावा लिया है, सूजी बहुत ही कम ली है, थोड़ी सी नहीं तो ज़्यादा सूजी हो जाती है तो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल सूजी सूजी सा आता है, सूखा सूखा सा रहता है। इसलिए हमने सूजी दो चम्मच ली है। मैदा, खड़ी शुगर चाशनी के लिए, और ये पीसी हुई शुगर, और ये नारियल, काजू, किशमिश, चिरौंजी दाना, कुछ धागे केसर के लिए थे, उसको पानी में डाल दिया है ताकि पूरा कलर अच्छे से इसमें आ जाए। ये देखिए हमने एक परात ले ली है, आप अपने हिसाब से बड़ा बर्तन जिसमें आपको आटा लगाना है वो ले सकते हैं। ये डालेंगे इसमें मैदा है, और इसमें डालेंगे तेल मोवन के लिए, आप चाहे तो घी का भी यूज कर सकते हैं, मैं तेल का यूज कर रही हूँ। हमने इसमें तेल डाल दिया है मोवन के लिए, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मोवन अच्छे से मिल चुका है, ये देखिए हम थोड़ा सा इसको लेकर के हाथ में बांधेंगे, ये बंध रहा है कि नहीं, कि हमको कितना मोवन की आवश्यकता है। ये देखिए बिल्कुल हमारा मोवन जो हमने डाला है बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे डो लगा करके तैयार करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ये हमारा डो लग करके अच्छे से तैयार हो गया है, इसको रख देते हैं यहाँ पे फूलने के लिए। इसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे, थोड़ा सा इसमें तेल लगा करके और इसे ढक करके रख देंगे। गैस पे पैन रख दिया है और गैस को चला देंगे, अब पैन को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें डालेंगे एक चम्मच घी, काजू को करेंगे थोड़ा सा घी में, काजू गल गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब डालेंगे किशमिश, इसको भी थोड़ा सा तल लेंगे। किशमिश को जैसे ही फूल जाए तुरंत निकाल लीजिए, नहीं तो बिल्कुल लाल पड़ जाती है काली। डालेंगे चिरौंजी दाना, बस इसको इतना ही भूनना है, अब इसे भी प्लेट पे निकाल लेंगे। गैस मध्य करके ही हम तले हैं इनको सबको, सारे मसालों को। ये देखिए अब इसी में डालेंगे सूजी, ऐसे भी भून लेंगे अच्छे से। गैस को मध्य ही रखे हैं, गैस को तेज नहीं करें हैं, मध्य गैस में ही भूनना है ताकि अच्छे से हमारी सूजी जो है तो अच्छे से पक जाए। ये देखिए हमने धीमी आंच पे इसको भूना है, बिल्कुल अच्छे से हमारी सूजी पक चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और सूजी को एक प्लेट पे निकाल लेंगे। अब हम गैस को फिर से थोड़ा सा चलाएंगे, और कढ़ाई हमारी गर्म है, कढ़ाई वो नहीं है ठंडी। अब इसमें डाल देंगे मावा और थोड़ी देर के लिए इसे भी भून लेंगे। बिल्कुल मध्य गैस में इसको हमने पिघलाया है, ये देखिए हमारा मावा अच्छे से वो हो गया है, भून चुका है। अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे, एक बर्तन ले लेंगे और सारी सामग्री इसी में मिक्स करेंगे। तो पहले हम मावा डालेंगे इसमें, पहले यहीं पे डाल देंगे हम अपना काजू, चिरौंजी दाना, किशमिश, सूजी, और ये नारियल जो घिस करके रखा था, और ये शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। इसको अच्छे से इस तरीके से हाथों से मसल मसल करके हमने इसको मसाले को पूरा अच्छे से मिक्स कर दिया है। चलिए पहले चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी के लिए हम डालेंगे शुगर और पानी, एक गिलास पानी ऐड कर रहे हैं, और गैस को तेज फ्लेम में चालू कर देंगे। चाशनी हमारी बन करके तैयार हो गई है। थोड़ा सा अगर हम इसमें डालेंगे ये जो हमने केसर को फुला करके रखा था उसको इसी में डाल देंगे, और थोड़ी देर इसे और पकाएंगे। चाशनी एक कांच की बनेगी इसकी, जैसे अपन बनाते हैं बालूशाही की चाशनी, उसी तरीके से इसकी चाशनी भी तैयार करना है। अब हम गैस को कर देंगे बंद, चाशनी हमारी पक चुकी है और इसे रख देंगे साइड में। अब हम मैदा को जो फूलने के लिए रखे थे उसको देखते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार फूल करके। ये देखिए मैदा हमारा अच्छे से फूल चुका है। ये हम आटे का थोड़ा सा पोर्शन तोड़ेंगे और आधा रख देंगे, और इसे इस तरीके से थोड़ा सा मस लेंगे, और अब इसकी छोटी छोटी सी लोइयां बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए नींबू की साइज की लोई तोड़ेंगे ये, और इसी तरीके से सारी लोइयों को तोड़ करके हम रख लेंगे। ये
ये सारी लोइयों को तोड़ करके हमने रख लिया है। अब इनको रख देंगे साइड में और एक एक लोई लेकर के इस तरीके से और ऐसे गोल करेंगे इसे और इस तरीके से आटा लगाएंगे और इसकी पूरी बन करके तैयार कर लेंगे। इसको साइड से किनारे से बेलेंगे, बीच से पतला नहीं करना है इसको, क्योंकि चाशनी वाली कुछिया को ज़्यादा पतला नहीं करते हैं, नहीं तो वो फिर फटने लगती है। साँचा लेंगे, इसमें अपनी जो हमने पूरी बेल करके तैयार करी है उसको रखेंगे और हमने ये जो फिलिंग बनाई है इसमें डाल देंगे और इसके किनारे किनारे में पानी लगा देंगे ताकि हमारी जो गुजिया है बिल्कुल वो फटे नहीं। इस तरीके से और इनको दोनों गुजियों को पकड़ करके इस तरीके से दबा दें और जो ये एक्स्ट्रा आटा है उसको निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी ये गुजिया बन करके तैयार हो गई है। ये देखिए ये हमारी ये दूसरी पूरी भी बन करके तैयार हो गई है। अब ये लेंगे सांचा, इसमें डाल देंगे इस पूरी को इस तरीके से और फिलिंग भरेंगे। ये हमने फिलिंग भर ली है, बिना पानी लगाए भी बन सकती है इसको, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से दबाना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान से इस तरीके से। और ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हम बिना पानी के ही बनाते हैं ज्यादातर। ये देखिए फिर भी नहीं फटी है, बिल्कुल नहीं फटती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन पानी नहीं लगाएंगे तो कुछ हमारी बनकर तैयार नहीं होगी, अच्छे से हो जाती है। ये देखिए दोनों तरीके से गुजिया बनाई जा सकती है, पानी लगा कर भी और बिना पानी के भी बनाई जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि फटेगी, वो अच्छे से थोड़ा सा दबाना होता है इसको। गैस में पैन चढ़ा दिया है तेल डाल करके और थोड़ी देर तक के लिए इसको तेल को गर्म होने देंगे। ये हम आटे का छोटा सा टुकड़ा डाल करके चेक करेंगे तेल गर्म हो गया है कि नहीं। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है और गैस को मंदी कर देंगे। अब हम अपने इसमें गुजिया तलेंगे, तेल हमको इतना ही गर्म चाहिए। देखिए इस तरीके से हम गुजिया डालेंगे। हम इस तरीके से गुजिया को पलट पलट करके इसे पका लेंगे। गैस को बिल्कुल मंदी कर दिए हैं। अब हम इनको एक एक करके गुजिया निकाल लेंगे अपनी एक प्लेट पर। देखिए चाशनी हमने पहले ही तैयार करके रखी थी, अब एक एक गुजिया डाल करके चाशनी में डुबो देंगे इस तरीके से। अब हम इन गुजियों को निकाल लेंगे। ये हमारी चाशनी वाली गुजिया बनकर तैयार है, आप इसे खाइए और इंजॉय करिए।